So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10, chapter 6, manufacturing industries. So let's firstly understand what exactly manufacturing and what exactly industries are. So manufacturing se matlab kya hota hai? Manufacturing se matlab hota hai jab bhi aap kisi raw material ko process karke, matlab uske andar kuch bhi aapne kiya, usko kuch bhi change kiya, aur usse aapne kuch more valuable item bana li, to usko bolte hai manufacturing. ठीक है, मतलब आसान भाषा में कोई रॉ मटेरियल आपने लिया, उसको आपने कुछ प्रोसेस किया, मतलब कुछ भी आपने प्रोसेस किया, कोई टेक्निक लगाई, कोई टूल लगाया और उसको बदल करके कुछ ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. बिल्कुल. और जब आप इसी काम को एक्सटेंसिवली करते हो, मतलब लगातार बहुत सारे लोग इसी काम को करते हैं, ठीक है, और एक ग्रुप बन जाता है कि ये सभी लोग इस काम को करते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है. जैसे स्टील इंडस्ट्री, भाई स्टील इंडस्ट्री का मतलब किसी एक प्रोड्यूसर से नहीं है, किसी एक स्टील बनाने वाले से नहीं है, वो सारे ग्रुप से है जो कि सारे लोग स्टील बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्टील इंडस्ट्री हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो अब इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, ठीक है, तो इनकी जरूरत सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहली जरूरत इनकी ये है कि इससे मॉडर्नाइजेशन हो जाता है एग्रीकल्चर का. अब आप देखो, एग्रीकल्चर पहले के टाइम पे अगर आलू अवेलेबल था तो आपको आलू ही खाने पड़ते थे, बट अब आप आलू से जो है वो चिप्स भी खा सकते हो, आलू से मैकेन्स भी खा सकते हो, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही तो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही तो हुआ है. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जो है मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है वो. नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है, क्योंकि आप देखो अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लगेगी, तो उससे लोगों को काम भी तो मिलेगा, रोजगार भी तो मिलेगा, तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट का. इसके अलावा ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी, इससे रीजनल डिस्पैरिटी कम होती है. रीजनल डिस्पैरिटी से मतलब क्या है, जो जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो भेदभाव होता है, ठीक है ना, वो कम हो जाता है. कैसे, एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि पहले सिर्फ शहरों शहरों में ही विकास होता था, पर अब गांव गांव में विकास होता है. क्यों? क्योंकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वहां पर भी लग रही है. जहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी वहां पर क्या होगा, वहां पर नौकरी मिलेगी, तो पैसा आएगा तो सभी के पास बराबरी हो जाएगी ना सभी की. तो रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि जो भेदभाव होता है रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वो कम हो जाएगा. इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी. इरेडिकेशन का मतलब होता है हटा देना बिल्कुल, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल हट जाएगी, खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि जब सबके पास में नौकरी मिल रही है सबको, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई चांस ही नहीं है. नेक्स्ट है ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. ये फॉरेन एक्सचेंज लाता है इंडिया के अंदर. फॉरेन एक्सचेंज कैसे लाता है वो समझिए, जब हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगेंगी और जब फॉरेन कंट्रीज को भी दिखाई देगा कि यार जो प्रोडक्ट हम अपने यहाँ पर, मान लो ये मार्कर है, मान लो कि वो लोग ये मार्कर अपने वहां पर एक डॉलर का बना रहे हैं, और हमारे यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा तो यार ये मार्कर तो जो है 10 रुपए बना दे रहे हैं ये लोग, मान लो 8 रुपए में बना दे रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उनसे 1/10 रेट पर, यानी कि उनसे 10% के पैसे पर हम इसको बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कहेंगे, भाई अपने देश में छोड़ो, यहीं से बनवा के ले जाओ, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा. तो इस तरीके से क्या होगा, वो हमारे को ऑर्डर देके जाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को फॉरेन करेंसी मिलेगी ना, हमको वहां से पैसा मिलेगा ना, तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे को मिलेगा और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा बात करते हैं, जब आप कोई इंडस्ट्री को लगाते हैं, कोई इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, तो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से ध्यान में रखने होते हैं. फिजिकल फैक्टर्स मतलब कि जो फिजिकली आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले तो क्लाइमेट, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए सोचो कि मैं यहाँ पर चाय की पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सोचू कि मैं चाय के बागान लगाऊंगा, ठीक है, दिल्ली में मैं सोचू कि चाय का बागान लगाऊंगा, चाय का बाग बनाऊंगा, फिर वहां से चाय की पत्तियां तोड़ूंगा और उससे जो है वो चाय पत्ती बेचूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है दिल्ली में? नहीं, अभी हमने कल ही पढ़ा है, ठीक है ना, कल ही लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई जो चाय पत्ती होती है उसको बहुत सारी बारिश चाहिए होती है. दिल्ली में मानसून आता भी है तो पता भी नहीं चलता, उसको चाहिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश, है ना, और यहाँ पे पड़ती कितनी है, 20-30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी खेती हो पाए, तो यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, एनवायरमेंट की कंडीशन वैसी नहीं है. दूसरी चीज हमें देखनी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. सोचो कि वही वाली बात, अगर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर चाय की पत्ती का बिजनेस, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने चाय की पत्ती मैंने सोचा कि चलो उगाएंगे नहीं यहाँ पर यहाँ पर उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है?
क्योंकि आसपास कहीं पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा तभी तो उससे चाय की पत्ती बनाओगे। रॉ मटेरियल क्या है चाय की पत्ती का? चाय की एक्चुअल में पत्तियां है ना, चाय की जो लीव्स होती है, टी लीव्स होती है, और वो तो वहीं मिलेंगे ना जहां पे आसपास बागान होंगे, जहां पे उसके खेत होंगे। अब वो आसाम में है मान लो, ठीक है, अब वहां से यहां तक अगर सोच के देखो पत्तियां आएंगी तो वो सूख नहीं जाएंगी, उसके साथ टेक्सचर खराब नहीं हो जाएगा, टेस्ट खराब नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी देखनी पड़ती है कि आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अब मान लो कि मैं इस स्टेशन में एसी तो लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि यहां पर एसी लगाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में आती है कमर्शियल बिजली। ठीक है, दुकानों को दी जाती है कमर्शियल बिजली जो कि रेजिडेंशियल बिजली से लगभग 5 गुना महंगी होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे घर में जो एसी लगा है उसका बिल मान लो 4,000 रुपये आता है, तो दुकान वाले जो एसी का बिल होगा वो कम से कम आएगा तो 18,000 से 20,000 रुपये आएगा। तो दिस मीन्स कि वो लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी से आप यूज कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये थे फिजिकल फैक्टर्स, अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की। ठीक है, फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सबसे पहले गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। गवर्नमेंट पॉलिसी से मतलब क्या है कि सरकार की क्या नीतियां हैं उस जगह के लिए। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि वहां पर मैं इंडस्ट्री लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा। इसके अलावा लेबर, वहां पर लेबर अवेलेबल है या नहीं है। अब कई बार क्या होता है, अब आप कहोगे लेबर तो हर जगह मिल जाती है, लोगों की कमी थोड़ी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां पर जो लेबर मिलती है वो स्किल्ड नहीं होती। मेरे को चाहिए स्किल्ड लेबर, एग्जांपल के लिए अब साथ में ये भटूरे छोले की दुकान खुल रही है, क्या ये किसी भी ऐसे रोड चलते बंदे को उठा करके बोल सकते थे भटूरे छोले बनाते हमारे लिए, ले पैसे ले ले? नहीं ना, स्किल्ड लेबर चाहिए थी, बोला ऐसा बंदा जो कारीगर हो, जिसको काम आता हो, वही तो चाहिए था ना। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ लेबर अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, स्किल्ड लेबर होना जरूरी है, कौशल होना चाहिए, उसके अंदर कुछ कला होनी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल से मतलब है पैसा। अब यदि तो आप बिजनेस में खुद का पैसा लगा रहे हो तब तो ठीक है, पर अगर आप किसी दूसरे से पैसा लेके लगा रहे हो तो वो तो सब कुछ देखेगा ना। अब ऐसे समझो कि आप लुई वितों का शोरूम खोल रहे हो विजय विहार में, आपने मेरे को बोला भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट लगाओ, मेरे ऊपर पैसा लगाओ। ठीक है, मैं ना यहाँ विजय विहार में लुई वितों का शोरूम खोल रही हूँ, एलवी का शोरूम खोल रही हूँ, तो आपको क्या लगता है? मैं हाँ बोल दूंगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा पैसे। क्यों? मैं कहूंगा अरे तेरा दिमाग खराब है, यहाँ पे लोग जो है वो बाजार से सामान लेने वाले लोग हैं। ठीक है, वो बाजार में भी मोल भाव करते हैं कि नहीं भैया इतने का नहीं इतने का लगा, वो लुई वितों की 5,000 की शर्ट लेंगे, स्टुपिडिटी है ना। पर यही अगर आप मुझे बोलते कि भैया मैं डी मॉल में या मैं सिटी सेंटर में खोल रही हूँ, तो मैं कहता हाँ वो सही जगह है, क्यों? कि वहां लोग जाते ही इस पर्पज से है कि महंगा सामान लेंगे मॉल से, तो वहां पे वो चल सकता है। तो कैपिटल, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हो वहां पर कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है, कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा मार्केट, अब आपने मान लो जहां पर आप अपनी फैक्ट्री लगा रहे हो वहां पर दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं है, तो माल बेचोगे कहां पे भाई? अगर मैंने जहां फैक्ट्री लगाई वहां दूर दूर तक कोई अवेलेबल ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं है, आखिर सामान बने जितनी मर्जी फैक्ट्री में, लेकिन बनता तो बाजारों में है ना, बनता तो मार्केट्स में ही है ना। अब मेरा मार्केट से सोम बाजार मंगल बाजार नहीं है, कोई भी मार्केट। अब जैसे मान लीजिए कि अब मैं यहां पर कपड़े बनाना शुरू करूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि पास में D12 मार्केट है, एक इसकी अवंतिका मार्केट है, एक सेक्टर 17 में कपड़ों की मार्केट है। तो इसका मतलब क्या है कि आसपास मार्केट्स हैं जहां पर मैं जाकर के अपना सामान बेच सकता हूं, है ना, तो यहां पर पॉसिबल है। पर मान लो कि किसी ऐसी जगह पे मैं लगाऊं, नरेला में लगा लूं मैं, ठीक है, हालांकि नरेला में है बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्री, पर वो चलो दूर दूर की बात है, लेकिन मान लो कि मैं नरेला से भी आगे 20 किलोमीटर आगे किसी गांव पड़े वहां पे मैं लगा लूं कपड़े की फैक्ट्री, तो मैं बेचूंगा कहां, क्योंकि आसपास कोई मार्केट तो है ही नहीं है। अगला मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहां से माल लाना ले जाना भी आसान है या नहीं है, वहां पे कोई माल ले जाने के लिए कोई सिस्टम है या नहीं है। मान लो कि ऐसी कोई गांव में आपने फैक्ट्री खोल ली जहां पे रोडें तक पक्की नहीं है, तो वहां पे एक ट्रक तक नहीं घुस सकता, ट्रक जितनी बार आता है गड्ढे में फंस जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे सामान लाओगे ले जाओगे कैसे, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, फाइनल गुड कैसे जाएगा, तो वो समस्या है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब क्या, पानी आता है नहीं आता, बिजली है या नहीं है, रोड है या नहीं है, रोडों पे स्ट्रीट लाइट लगी है नहीं लगी है, तो ये सब है बेसिक स्ट्रक्चर। अगला है एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज से मतलब क्या है, बिजनेस, ठीक है, एंटरप्राइज से मतलब है बिजनेस, कि वहां पर बिजनेस है या नहीं है, ठीक है, वहां पर कंपनी मतलब दूसरी जो कंपनी चल रही है क्या वो प्रॉफिट दे पा रही है नहीं दे पा रही, क्योंकि देखो जब दूसरी कोई कंपनी नहीं चल रही तो आपकी क्या चल जाएगी, तो वो सब चीजें। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई यानी कि श्रेणीगत किया गया है।
ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से सबसे पहली कौन सी होती है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो सबसे पहले होती है जो सरकारी कंपनियां होती है, ठीक है, जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो होती हैं क्या, वो होती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती हैं, जिसमें सरकार राज करती है, जिसमें सरकार ही चलाती है, सरकार ही उसको ध्यान रखती है सब कुछ। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, भेल सेल, ठीक है, भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनियां है सरकारी कंपनियां है, ठीक है। तो सरकारी कंपनियां क्या करती हैं, सरकारी कंपनियां बेसिकली जो है वो यही काम करती हैं कि वो लोगों को सस्ते से सस्ता सामान प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। इसके अलावा क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसके अंदर प्राइवेट प्लेयर यानी कि जो आम लोग होते हैं, हम आप जैसे जो आम लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं और बिजनेस को खोलते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेस खोलना, तो होता है प्राइवेट सेक्टर। एक होता है ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में ज्वाइंट होकर के जो बिजनेस करती है तो उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर से मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर को ध्यान से समझना, कोऑपरेटिव सेक्टर से मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि हम मान लीजिए एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर समस्या ये है कि वहां पर ना जो मार्केट है वो बहुत दूर है, एक ही सब्जी वाला आता है, ठीक है, वो इतने हाई रेट्स पर सब्जी देके जाता है, ठीक है, कि मतलब मार्केट में उसके आधे रेट पर भी सब्जी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से मार्केट 20 किलोमीटर दूर है, मतलब कहता है 20 किलोमीटर ट्रैवल करने से अच्छा मैं यहां पर जो डबल रेट पर सब्जी मिल रही है वही ले लेता हूं, तो ये एक समस्या है। तो सबने मिलकर के क्या डिसाइड किया कि हम सोसाइटी में 100 घर हैं, क्या करते हैं, 100 घर मिलकर के एक बंदा रख लेते हैं, ठीक है, 100 घर मिलकर के एक बंदा हायर करते हैं, मान लो उसकी सैलरी 20,000 रुपए महीना भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या करेगा, वो हर रोज बस उसका एक ही काम है, हर रोज सबसे ऑर्डर लेगा, कल क्या चाहिए आपको सब्जी, ठीक है, और वो रोज मार्केट जाएगा, पूरा टेम्पू या ट्रक भर के सब्जी लाएगा और सबको बांट देगा, ये उसका काम होगा। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब वो बंदा सबसे पूछ के रोज सब्जी ताजी लेके आएगा तो इससे जो उनका खर्चा होगा बहुत कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनको मार्केट के रेट पर सब्जी मिल जाएगी, और हो सकता है वो इतनी सारी बल्क सब्जी खरीदे तो और सस्ती पड़े उसको, तो वो ला करके सबसे सबको बांट देगा, तो इससे प्रॉफिट होगा। तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके अंदर सभी के कोऑपरेशन से, सभी के सहयोग से जब हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, एक तरीके का बिजनेस हुआ ना, क्योंकि पैसा बचा लिया आपने, देखो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ठीक है ना, कि अगर पैसा जो आपने बचाया है वो आपने कमाया वो पैसा है ना, तो इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल, अमूल का दूध पीते हैं सब लोग, है ना, तो अमूल का जो दूध जो हम पीते हैं वो अमूल कोई कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है क्या, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कल व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ाया था उसके, उसका बताया था कि उसकी शुरुआत किसने करी थी, वर्गीज कुरियन, नाम याद रख लो, ठीक है, वर्गीज कुरियन था बंदा जिसने जो है वो अमूल कंपनी की शुरुआत करी थी, उसी ने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरू करी थी इंडिया के अंदर। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बात करते हैं, तो एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर जो मैक्सिमम कैपिटल है या फिर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ है, उससे ज्यादा कितनी भी होती है। अब बात करते हैं रोल के हिसाब से, तो एक होती है बेसिक इंडस्ट्रीज, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल बेचती हैं, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल, मान लीजिए कि आपने काम ही ऐसा शुरू किया कि आप रॉ मटेरियल बेचते हो, जैसे प्लास्टिक का दाना, मेरे एक रिश्तेदार है वो प्लास्टिक का दाना बेचते हैं, प्लास्टिक का दाना किस काम आता है, प्लास्टिक का दाना प्लास्टिक बनाने के काम आता है, ठीक है, जो प्लास्टिक से ये बॉटल्स जैसे बन रही है, तो ये किससे बनी होगी, प्लास्टिक के दाने से बनी होगी, प्लास्टिक के दाने को पहले पिघलाया होगा, फिर उसे एक मोल्ड में डाला होगा इस शेप के, और इससे बॉटल बन के तैयार हो गई होगी, तो वो इतना इतना दाना होता है, बिल्कुल ऐसे चावल जैसा दिखता है बिल्कुल, ठीक है ना, प्लास्टिक का दाना, ठीक है, तो उनका इसी का काम है, ठीक है, वो प्लास्टिक के दाने का काम है उनका, तो प्लास्टिक का दाना बेचते हैं, इतनी बात समझ में आई, तो ये क्या है उनका, उनका क्या है, वो एक बेसिक इंडस्ट्री चलाते हैं जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल बेचते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए। कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होती है जो कि उससे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जो कंज्यूमर के काम है, जैसे कि ये बॉटल, जिस कंपनी ने ये बॉटल बनाई है वो एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है, क्योंकि ये कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, हम जैसे उपभोक्ताओं के काम आ रही है ये। अगला है हैवी इंडस्ट्री, दूसरा होता है लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत वेट वाला सामान होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी सामान है वो बहुत भारी है वेट में। इसके अलावा लाइट इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, लाइट इंडस्ट्री बोलते हैं जो भी हल्का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या फिर जो लाइट गुड्स बनाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई,
ठीक है, रुई की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो ये लाइट वेट इंडस्ट्री है। इसके अलावा एक होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एक होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि एग्रीकल्चर जिसका रॉ मटेरियल होता है, याद रखना ये पेपर में आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर यानी कि खेती से आता है, ठीक है, उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि कॉटन की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, रुई बनाने की। इसके अलावा शुगर की इंडस्ट्री हो गई, जूट की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, तो ये सभी इंडस्ट्री क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, जिससे मिनरल से हम सामान बनाते हैं, ठीक है, मिनरल से, अभी पढ़े थे मिनरल कौन से होते हैं लास्ट क्लास में, तो मिनरल से जब आप सामान बनाते हो तो उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, तो ये सभी इंडस्ट्री क्या है, ये सभी इंडस्ट्री को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो सेकंड मोस्ट जो है वो मेटलर्जिकली इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेटल इंडिया में एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये लाइट होता है और ये कोरोजन नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता, मैंने कल बताया था। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मैलिएबल होता है, ठीक है, डक्टाइल होता है, और इसे दूसरे मेटल्स के साथ भी मिक्स किया जाता है। मैलिएबल और डक्टाइल तो पड़ा हुआ है, पता है ना, साइंस में पढ़ा है। तो ज्यादातर इसकी फैक्ट्रीज या फिर इसकी जो इंडस्ट्रीज है वो कहां पर है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे है। इसके लिए, इस इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब रेगुलर पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए इस इंडस्ट्री को। दूसरा, चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, जहां पर ये दो चीजें मिलती है वहां पर ये इंडस्ट्री अच्छे से चल पाती है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री की बात करती है, केमिकल इंडस्ट्री दो तरीके की केमिकल बनाती है, एक होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल, एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जो कि बेसिकली आप कहो कि जो नेचुरल वे में मिलते हैं या फिर नेचुरल वे में किसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर के अंदर यूज होते हैं, सिंथेटिक रबर के लिए यूज होते हैं, प्लास्टिक्स में यूज होते हैं, डाइज में, ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल कौन से होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, ठीक है, ये सब। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो हमारी पूरी जीडीपी का लगभग 3% कंट्रीब्यूट करती है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो होता है जो कि बेसिकली खेतों के अंदर जो जमीन की जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो यूज किया जाता है वो फर्टिलाइजर है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है वो जनरली यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है, पोटैश भी इसके अंदर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जब से कंट्री के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई फर्टिलाइजर्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर के लिए जो व्हीकल्स बनाए जाते हैं, मतलब की व्हीकल्स के लिए जो, मतलब कि ऐसे व्हीकल्स जो कि सामान या पैसेंजर को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, उसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये ज्यादातर कहां पर अवेलेबल है, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, इनके अंदर ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री क्या होती है, आईटी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कि जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो आईटी इंडस्ट्री होती है। और इंडिया के आईटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बेंगलुरु, पुणे इसके हब है, हब मतलब ज्यादातर इंडस्ट्रीज आईटी की यहां पर है। इसके अलावा बात करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन की, तो चार तरीके का मेजर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, और थर्मल पॉल्यूशन। ये सब बात करने जैसा है नहीं है, ऑलरेडी इस पे बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। थर्मल पॉल्यूशन समझ लो, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, तो ये जो गर्मी बढ़ रही है एटमॉस्फेयर की, ये थर्मल पॉल्यूशन है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर की गर्मी क्यों बढ़ रही है, वही एयर पॉल्यूशन वाले फैक्टर्स आप डाल दोगे इसमें, ग्लोबल वार्मिंग वाले। अब बात करते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, सबसे ज्यादा तो 3 R's का इस्तेमाल करके, ये कल भी बात करते, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, केमिकल वाले जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो जब उसको आप डायरेक्टली जो है वो एसिड या तो जमीन में गाड़ देते हो या फिर आप उसको डायरेक्टली समुद्र में, नदियों में बहा देते हो, तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो उसको पहले ट्रीट कर लो। ट्रीट करने का मतलब क्या है, अगर वो एसिडिक है तो उसे बेसिक कर दो, मतलब न्यूट्रलाइज कर दो, और अगर बेसिक है तो भी उसे न्यूट्रलाइज कर दो, नॉर्मल कर दो, तब उसे फेंको ताकि उसका नुकसान कम हो। इसके अलावा
रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, नॉन कन्वेंशनल कल ही पढ़े थे, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो जो बार बार इस्तेमाल की जा सके, और न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करो जो कि पोल्यूशन कम करें और ज्यादा लंबे तक चले। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।